मेरे पापा दुनिया के वर्ल्ड बेस्ट फादर हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे कभी किसी चीज़ के लिए नहीं रोका। कहीं जाना हो, हम लोग इवन पूछते भी नहीं थे उनसे कि पापा हमें वहाँ जाना है। मैंने कभी नहीं पूछा उनसे कि पापा ये करना है वो करना है। उनसे सिर्फ हम लोग बोलते थे कि पापा हम लोग वहाँ जा रहे हैं और हम बस जा रहे हैं, सुबह जाने वाले हैं, खाटू श्याम जाना हो, इंदौर जाना हो, उज्जैन जाना हो, तो हम लोग पूछते नहीं थे। लाइक और जो गर्ल्स होती है तो उन लोगों को पहले बताना पड़ता अपने पेरेंट्स को कि हमें वहाँ जाना है, ये करना है। बट मेरे पापा ऐसे नहीं, कभी भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रखा, ऑल टाइप्स का फ्रीडम मिला और हमने भी कभी उस फ्रीडम का मिसयूज़ नहीं किया। मेरे पापा ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मेरा हर एक सपना उन्होंने पूरा करने की कोशिश की। आज मैंने जो भी चाहा उन्होंने सब कुछ वैसे ही किया है जैसा मैं चाहती थी। कोई चीज़ की कोई कमी नहीं रखी। खैर, मैं उनके ड्रीम्स पे कर नहीं पाई जैसा वो चाहते थे, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। बट किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। ठीक है मम्मी, मेरी मम्मी हमेशा सपोर्ट किया है, कैसी भी बातें उन्होंने माँ से शेयर की है, और उन्होंने भी हमें किसी चीज़ के लिए कुछ नहीं रोका टोका। दुनिया वालों ने बोला था लड़कियाँ बड़ी हो गई है, लड़कियों की शादी कर दो, क्या करोगे पढ़ा लिखा के, बट नहीं, मेरे पेरेंट्स ने कभी भी ऐसा नहीं किया। उन्होंने हम लोगों के सपनों पर ध्यान रखा है। मेरी माँ ने हमेशा हमें सपोर्ट किया है, हर चीज़ में सपोर्ट किया है। भाई एक है बट फिर भी सबसे ज़्यादा लाड मेरे हुए हैं, और हम तीन चार बहनें हैं बट पेरेंट्स ने सबसे ज़्यादा लाड की मैं ही रही हूँ। माँ ने हमेशा मुझे हर चीज़ के लिए सपोर्ट किया है, बहुत अच्छी हैं वो भी। मुझे जो हम चार महीनों के बाद हम लोगों को बहुत वेट था, फाइनली हमें भाई मिला था और वो वैसा ही है जैसा हम चाहते थे, बट इतना शरारती है कि अगर उसको कहीं जाता है और अगर उससे काम हुआ तो 100 रुपए का काम होगा तो वो बोलेगा दीदी 150 रुपए डाल दो, तो 50 रुपए एक्स्ट्रा लेता है उसे ऐसे करके। और फिर मतलब हर चीज़ में उसको बहुत शैतान है वो भी। हर लड़की का सपना होता है कि उसको एक अच्छा लड़का मिले, और वो पेरेंट्स का भी होता है और लड़की का तो सबसे ज़्यादा ही होता है कि उसको एक अच्छा लड़का मिले जो उसकी केयरिंग करे। तो शिवम भी बिल्कुल वैसे ही है, हर चीज़ में वो सपोर्ट भी करते हैं, समझाते भी हैं और थोड़ा मुझे चीज़ों को समझाते भी जाते हैं। ऐसे नहीं है कि ऐसा नहीं करना वैसे नहीं करना, कोई डॉक्टर नहीं। तो फाइनली आई फाउंड माई ड्रीम चैनल, सो आई लव यू। हम लोगों का जब हम मिले, फर्स्ट टाइम मिले थे हम घर पे, देन सेकेंड टाइम हम लोग मिले थे उनके होम टाउन राइट। देन उसके बाद हम लोग का एक टूर बना था, गुजरात टूर हम लोग गए थे। मतलब इन फैमिली जो उनकी जो फैमिली थी, कजिन्स उनके, मामा फैमिली, उन्होंने हम लोग के लिए प्लान किया था ये कि हम लोगों को मिलवाना। तो हम लोग एक ट्रिप पे गए थे, तो वी आर गोइंग टू सोमनाथ। सो तो हम लोग ने वहाँ पे एक गेम किया, उस गेम में फैमिली में पूरा गेम्स था और बड़े भी थे छोटे भी थे, बट फैमिली बहुत अच्छी है शिवम की। तो उन्होंने सब कजिन्स ने एक गेम किया, उसमें ट्रूथ एंड डेयर। तो शिवम ने डेयर चूज़ किया था, तो उन लोगों ने शिवम से बोला कि भाई आप भाभी को प्रपोज करो। तो उन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम वहाँ पे प्रपोज किया था और बोला था विल यू मैरी मी, तो सो आई कैन से यस। मेरी दादाजी जो घर के सबसे बड़े थे, उनका बहुत सपना था हर चीज़ में कि मेरी बेटी ऐसी करेगी, एक राजकुमारी की तरह रखा। और हमेशा उन्होंने, वो खुद भी ऐसे ही बात करते थे हम करके, तो मैं भी ऐसे ही बात करती हूँ हम करके, सेम उनके वर्ड्स में कॉपी किए हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं क्या तुम कहीं राजघराने से हो, या तुम कहीं राजघराने में पहले पैदा हुई थी, जो मतलब आपका लैंग्वेज टोन वैसा है। तो मैं उनसे कहती थी कि नहीं, मेरे दादाजी ऐसा बोलते थे, और उनका बहुत सपना था कि मेरी बेटी की शादी मैं एक राजकुमारी की तरह करूँगा, और वही उसी सपने को मेरे पापा ने आज पूरा किया है मेरे लिए।